अगर मन साफ है, सच्चा है, आंखों में आंसू हैं, तो साईं मिल जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत साईं से मिलने से हमको नहीं रोक सकती। साधनों की कमी तो कतई नहीं, साधनों की कमी से कभी साईं से मिलन रुकता ही नहीं है, सवाल ही नहीं होता। एक और किस्सा आता है भगवान दत्तात्रेय और साईं में समानता का। सच्चरित्र हम सबने पढ़ा है, उसमें गोवा से दो लोग आते हैं, उनकी कथा आती है। भगवान दत्तात्रेय को दर्शन ना करके मुंह छुपाते हुए नाना साहब चांदोरकर शिरडी आ गए थे और बाबा को पता चल गया था। ये कनेक्शन स्थापित हो गया कि दत्तात्रेय भगवान और साई में कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है। ऐसे ही गोवा से दो सज्जन आते हैं, उनकी कथा भी आती है इसी साई सच्चरित्र में। दो दोस्त आते हैं गोवा से, द्वारका माई मस्जिद में बाबा के पास दर्शन करने जाते हैं। एक दोस्त से बाबा कहते हैं कि ला मुझे 15 रुपए दक्षिणा दे। वो राजी खुशी उनको 15 रुपए दक्षिणा दे देता है। दूसरा दोस्त आतुर है, वो बाबा को अपनी जेब से 35 रुपए निकाल करके देना चाहता है, बाबा मना कर देते हैं। क्यों मना करते हैं बाबा? श्यामा ने यह प्रश्न बाबा से पूछा। बाबा ने श्यामा से कहा कि श्यामा इन दोनों सज्जनों को तू ले जा और अपने घर भोजन करा। श्यामा ने उनसे कहा कि यहां यहां पर मेरा घर है, आप जाइए वहां हाथ मुंह धोइए, मैं बाबा से मिल करके आता हूं। श्यामा ने कौतूहलवश बाबा से पूछा कि बाबा तुम अजीब लीला करते हो, जो व्यक्ति तुमको नहीं देना चाह रहा था उससे तुमने 15 रुपए दक्षिणा मांगी, उसने दे दी तुमको, यह बात अलग है, लेकिन उसने देने को वो आतुर नहीं था। और दूसरा व्यक्ति उससे ज्यादा दक्षिणा तुमको दे रहा था लेकिन तुमने ली नहीं, इसका क्या कारण है? क्या तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं चाहिए? श्यामा ने बाबा से पूछा। बाबा ने कहा मैं कहां किसी से कुछ मांगता हूं, ये तो मस्जिद माई है जो अपना ऋण मांगती है, उसको जिससे मांगना होता है मुझसे कह देती है और मैं उससे मांग लेता हूं, उसको ऋण मुक्त कर देता हूं। ये व्यक्ति बहुत साल पहले निर्धन था, इसके पास कोई काम नहीं था, इसने भगवान दत्तात्रेय की प्रतिज्ञा ली कि यदि मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं अपनी पहली पगार तुमको अर्पण कर दूंगा। इसको नौकरी मिल गई, इसके पहले महीने की पगार 15 रुपए थी, 15 से बढ़कर के इसकी पगार 30 हो गई, फिर 60 हो गई और वैसे बढ़ते बढ़ते इसकी पगार अब 700 रुपए हो गई है। ये 15 रुपए दत्तात्रेय को देना भूल गया था, मैंने तो उसे आज याद दिला करके उसे ऋण मुक्त किया है। श्यामा घर गए, ये दोनों सज्जन वहीं बैठे थे। श्यामा ने उनसे पूछा कि क्या आपने कभी भगवान दत्तात्रेय को 15 रुपए अपनी पहली पगार भेंट करने का प्रण लिया था? उन सज्जन ने कहा हां, बाबा ने आज मुझसे मेरी प्रतिज्ञा का भान कराकर मेरा वो कर्जा उतार दिया।
इसे आप और क्या कहेंगे। भगवान दत्तात्रेय में और साई बाबा में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही है। ऐसा ही एक और किस्सा आता है जो साई सच्चरित्र में इसलिए शायद नहीं आ पाया क्योंकि इसके लेखक की ज्ञान में वो बात नहीं आई थी। M.W. प्रधान करके बाबा के भक्त थे, मुंबई में रहते थे। उनका बेटा बाबू वो बहुत बीमार हो गया, बहुत दिनों से उसका बुखार उतर नहीं रहा था। उनके कुल के पंडित, हम लोगों के भी हर किसी के पंडित होते हैं अपने अपने कुल के, उनके कुल के पंडित माधव भट्ट वो भगवान दत्तात्रेय के पुजारी थे। वो उस बच्चे के सिरहाने पर बैठे थे और उसको दवाइयां दे रहे थे, बीच बीच में भगवान दत्तात्रेय की पूजा भी कर रहे थे। जब बच्चे का बुखार उतरता न दिखा तो M.W. प्रधान ने माधव भट्ट से कहा, मैं इस बच्चे को अब शिरडी ले जाना चाहता हूं, मेरे साईनाथ ही मेरे बच्चे को ठीक करेंगे। माधव भट्ट उनके इस फैसले से आश्चर्यचकित हो गए। माधव भट्ट ने मन ही मन प्रण किया, वहां पे दीवार पे दत्तात्रेय भगवान की तस्वीर लटकी हुई थी, उन्होंने मन ही मन प्रण किया कि यदि आज शाम 4 बजे तक इस बच्चे का बुखार उतर जाता है तो मैं स्वयं शिरडी जाऊंगा और साईं बाबा के चरणों में 120 रुपए दक्षिणा रखूंगा। विधि का विधान देखिए, शाम के 4 बजने से पहले उस बच्चे का बुखार उतर जाता है। M.W. प्रधान के साथ माधव भट्ट भी शिरडी जाते हैं और बाबा के चरणों में 120 रुपए अर्पित करते हैं। बाबा और उनसे कहते हैं कि ये तो तुमने भगवान दत्तात्रेय की दक्षिणा मुझे दी है, अब तुम शिरडी आए हो, मेरी दक्षिणा भी मुझे दो। ये कह करके बाबा ने उनसे कहा माधव भट्ट से, माधव भट्ट ने अपने जेब से 108 रुपए निकाल करके बाबा को दिए, जो कि उस तस्वीर उस माला का प्रमाण है जिसके अंदर 108 मणिकाएं होती हैं। हम वो पूरी माला फेरते हैं, 108 बार हम नाम लेते हैं, 108 बार वो इसलिए करते हैं कि हमको किसी ने कहा है कि तुम इतनी बार किसी का जाप कर लो, उसका नाम ले लो, वो हमारे हाथ में काउंटर टाइप का रहता है। अरे हम लोग भी शर्म नहीं करते हैं, ऊपर वाले से मांगते हैं बेहिसाब और उसका नाम हिसाब करके लेते हैं। क्या बात है, हिसाब करके नाम लेते हो और चाहते हो कि वो तुमको बेहिसाब दे दे। अरे हर सांस में नाम लो, साईं का नाम हर श्वास में होना चाहिए। ये माधव भट्ट ने शिरडी में आकर के एक और रंग देखा बाबा का। साई भी क्या क्या रंग दिखाते हैं, मतलब हम जब शिरडी जाते हैं तो ऐसे चमत्कार हमको होते रहते हैं। भगवान दत्तात्रेय और साई की समानता, माधव भट्ट का प्रण करना, 120 रुपए उनकी दक्षिणा, फिर 108 रुपए लेना। साईं दत्तात्रेय हैं। एक और बहुत बड़ी समानता की हम बात करेंगे अभी, लेकिन शिरडी में ऐसे चमत्कार होते रहते हैं। क्या क्या रंग दिखाए तूने, क्या क्या रंग दिखाए, रंग दिखाए तूने, क्या क्या रंग दिखाए, क्या क्या रंग दिखाए तूने, क्या क्या रंग दिखाए।
चांदनी नगरी से हो, जब भी हम अपनी नगरी से तेरी शिरडी में आए हैं, क्या क्या रंग दिखाए तूने, क्या क्या रंग दिखाए, क्या क्या रंग दिखाए रे साईं, क्या क्या रंग दिखाए। में से कितने लोग भगवान दत्तात्रेय की उस मूर्ति को देख चुके हैं जो नंदा दीप के पास लगी है शिरडी में? कितने लोग हम में से शिरडी गए हैं? इतने सारे लोग गए हैं और कभी भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति नहीं देखी किसी ने वहां पर। हम जब गणपति शनि और महादेव मंदिर से आगे बढ़ते हैं, एक शेर की समाधि हमको दिखती है। उस शेर की समाधि से जब हम लेफ्ट टर्न लेते हैं और सीधा 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 बिल्कुल निकल जाते हैं तो नंदा दीप पहुंच जाते हैं। और नंदा दीप पहुंचने से पहले वहां पे दो पादुकाएं हैं। पहली पादुका है अमीदास भवानीदास मेहता की, जो कि साईं बाबा पर बहुत चरित्र लिख चुके हैं, उनके पास बहुत सारे भजन लिख चुके हैं। उनके पास की दूसरी पादुकाएं जो हैं वो स्वामी मुक्तानंद की हैं, जिनको बाबा ने बहुत बहुत सुपर नेचुरल पावर्स से नवाजा था। उसके बाद हम देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड की ओर एक घोड़े की समाधि है, श्याम सुंदर उस पे लिखा हुआ है। बाबा का घोड़ा था, उसका एक कान काला था और इस नाम से बाबा ने उसका नाम रख दिया था श्याम कर्ण। और धीरे धीरे वो श्याम कर्ण बन करके श्याम सुंदर हो गया। जब हम उस घोड़े की प्रतिमा को पार करके थोड़ा सा दाहिनी ओर देखते हैं तो नंदा दीप दिखता है, और नंदा दीप और उस घोड़े की प्रतिमा के समाधि के बीचों बीच भगवान दत्तात्रेय का मंदिर है। सुख के दर्पण में भी देखे हमने दुख के चेहरे, हमने दुख के चेहरे साईं, हमने दुख के चेहरे। जीवन की किस ऊंच नीच के मतलब कितने गहरे, मतलब कितने गहरे साईं, मतलब कितने गहरे। हम ना समझे तूने को, ना समझे तूने तो हमें कई बार समझाए हैं, क्या क्या रंग दिखाए तूने, क्या क्या रंग दिखाए, क्या क्या रंग दिखाए रे साईं, क्या क्या रंग दिखाए। भगवान दत्तात्रेय की जो मूर्ति है उसके पीछे चार कुत्ते हैं और भगवान दत्तात्रेय एक गाय से पीठ टिका करके खड़े हुए। वो चार कुत्ते माना जाता है कि हमारे चार वेदों के प्रतीक हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। और वो जो गाय है वो धरती स्वरूप है, जिसका टेक लगा करके भगवान दत्तात्रेय स्वयं खड़े हुए हैं। धरती को भी भगवान दत्तात्रेय ने अपना 24 में से एक गुरु माना था। उनका मानना था कि हमें धरती की तरह होना चाहिए, हमारे ऊपर कोई कितने भी हल चला दे हमको हमेशा उसमें से अनाज देना चाहिए, भले ही अपना सीना चीर करके हमें देना हो। हमारे ऊपर लोग अपने पैर रख करके निकल जाएं लेकिन हम अपना आपा कभी न खोएं, धरती की तरह शांत और परोपकारी बने। जीवन जैसे रेत चमकती दूर से लागे पानी, दूर से लागे पानी साईं, दूर से लागे पानी। पास गए और हमने देखा तब ये हकीकत जानी, तब ये हकीकत जानी साईं, तब ये हकीकत जानी। नकल का दामन छोड़ दिया है,
दामन छोड़ दिया है, असल से हाथ मिलाए हैं। क्या क्या रंग दिखाए तूने, क्या क्या रंग दिखाए, क्या क्या रंग दिखाए रे साई, क्या क्या रंग दिखाए। और फिर हम उस दत्तात्रेय की मूर्ति के सामने साष्टांग नमन करते हैं और फिर प्रदक्षिणा करते हैं, ये बोलते हुए कि दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। साईं बाबा की आरती में भी ये भाव उत्पन्न होता है, दत्तात्रेय गुरु तब शरणम, दत्तात्रेय गुरु माझे आई, मजला ठाव ध्यावा पाई। बाबा की आरतियों में भगवान दत्तात्रेय का जिक्र भी आता है। बाबा और दत्तात्रेय एक ही है, मेरा साई तो सभी में समाया हुआ है, सब जगह हर कहीं हर किसी में, जहां देख लो मेरे अंदर आपके अंदर सबके अंदर साई है। तुझ में जो विश्वास हमारा वो दूना कर देना, वो दूना कर देना साई, वो दूना कर देना, अपने उजले हाथों से ये मन उजला कर देना, मन उजला कर देना साई, मन उजला कर देना, हम कर्मों की मैली चादर मैली चादर तेरे आगे फैलाए हैं। क्या क्या रंग दिखाए तूने, क्या क्या रंग दिखाए, क्या क्या रंग दिखाए तूने, क्या क्या रंग दिखाए। जब भी हम अपनी नगरी से हो, जब भी हम अपनी नगरी से तेरी शिरडी में आए हैं। क्या क्या रंग दिखाए तूने, क्या क्या रंग दिखाए, क्या क्या रंग दिखाए रे साईं, क्या क्या रंग दिखाए, क्या क्या रंग दिखाए रे साईं, क्या क्या रंग दिखाए। अभी हमने कुछ देर पहले जिक्र किया था, लोगों से परेशान हो गए थे तो भगवान दत्तात्रेय ने झील के अंदर जाकर के 3 दिन की समाधि ले ली थी। बाबा ने भी ये कारनामा किया था 1887, आज ही की तिथि थी मार्गशीर्ष पूर्णिमा। मैं इसीलिए कहता हूं ये साईं अजब अजब रंग दिखाता है। किसे पता था जब इस कथा की डेट्स फाइनल हो रही थी कि इस कथा का पहला सत्र शुरुआत मार्ग शीर्ष पूर्णिमा दत्तात्रेय जयंती से होगी, और साईं के साथ साथ दत्तात्रेय भी यहां पर अवतरित होंगे। आओ साईं, आओ दत्तात्रेय। 1887 मार्ग शीर्ष पूर्णिमा का दिन बाबा ने अपने भक्त मालसापति से कहा, मालसा मैं अपने भक्तों के दुख अपने शरीर पर ले ले करके बहुत थक गया हूं, मैं अपने पिता से मिलने जा रहा हूं, मेरा शरीर तू 3 दिन तक संभाल करके रखना, अगर 72 घंटे में मैं वापस ना आया तो मुझे यहीं पर गाड़ देना और उसके ऊपर 2 झंडियां लगा देना ताकि तुझे याद रहे कि तेरा साईं तेरे साथ यहीं पर था। ये कहकर बाबा ने
मानसपति के गोद में अपना सर रखा और आंखें मूंद ली, मानो उनके शरीर से प्राण निकल गए। निर्जीव सा लगने वाला वो शरीर मालसपति अपनी गोद में लिए साईं के वादे के पूरे होने का इंतजार कर रहे थे। एक दिन गुजरा, शिरडी के लोग कौतूहल से भर उठे। लोगों ने तो ताने मारना शुरू कर दिया, मालसा तू इस मुर्दे को अपनी गोद में लिए क्यों पड़ा है, हटा हटा इसको, जल्दी यहां से हटा, शिरडी में महामारी फैल जाएगी। आप देखिए कि मृत्यु कितना भयानक सत्य है। मृत्यु तो हमारे जीवन का एक मात्र शाश्वत अटल अडिग सत्य है, इसको कोई नकार नहीं सकता। सबको अपनी अपनी बारी पर जाना होता है। जिस दिन हम इस दुनिया में आते हैं उसी दिन हमारी एक्सपायरी डेट निर्धारित हो जाती है, लिख दी जाती है कि इसको इतनी सांसें दी गई हैं जो इस तारीख तक चलेंगी, इतने बजकर इतने मिनट पर ये खत्म हो जाएगा। लेकिन मजे की बात यह है कि हम में से किसी को भी एक्सपायरी डेट हमारी पता नहीं होती। ये हम सब जानते हैं कि मरना पक्का है, इससे कोई नहीं बच पाया। कबीरदास तो कहते हैं ना कि राजा हो रंग को फकीर हो सबको अपनी अपनी बार जाना है। ये दुनिया तो एक मुर्दों का गांव है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल। हम सब तो मुर्दे हैं, मुर्दे हम लोग सब मौत से डरते हैं, बहुत डरते हैं। ये जानते हुए कि ये होनी है, पक्का होनी है, कभी ना कभी होनी है, साईं में विश्वास रखो, साईं के जीवन को आत्मसात करो। मृत्यु से डरना नहीं है, मृत्यु को जानना है। श्री साईं सच्चरित्र में 3 अध्याय बाबा के निर्याण पर है। और मजे की बात है कि जब मौत आती है तो आपका सब कुछ छीन लेती है, आपका नाम भी छीन लेती है। आपके परिवार वाले भी आपको नाम से ना पुकार के कहते हैं ये बॉडी है, ये बॉडी ले जाओ यहां से। बॉडी को कब जलाना है, अस्थियों को कब विसर्जित करना है। साधो साधो ये मुर्दों का गांव, साधो साधो ये मुर्दों का गांव, साधो साधो ये मुर्दों का गांव, साधो। कबीरदास कहते हैं कि हम सब मुर्दे हैं और जहां हम रहते हैं सब मुर्दों का गांव है। हम वैसे मुर्दे हैं जिनकी सांसें चल रही हैं, सिर्फ ये फर्क। जिंदा जोगी मरी
पर जा भी मरी है, मरी है वैद और रोगी, मरी है वैद और रोगी। साधो 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 ये मुर्दों का गाव, साधो कुछ लोग तो मौत से इतना डरते हैं कि वो जीते जी मर जाते हैं, डर डर के जीते हैं। मैं नींबू खा लूंगा तो जुकाम हो जाएगा, मैं दही खा लूंगा तो एसिडिटी हो जाएगी, मोबाइल फोन का इस्तेमाल करूंगा तो कैंसर हो जाएगा, फर्टिलाइजर वाला अनाज खाऊंगा तो कैंसर हो जाएगा। किसी चीज का कोई दीनों ईमान नहीं है। मौत को आना है तो वो अपना रास्ता अपना कारण सब बना लेगी, सब कुछ ढूंढ लेगी, किसी को नहीं छोड़ती है। चंदा मरी है, सूरज मरी है, सूरज मरी है धरनी अकाशा, मरी है धरनी अकाशा। चौदह भवन के चौधरी मरी है, चौदह भवन के चौधरी मरी है, इन्हुन की का हजरत मोहम्मद हो, गुरु नानक देव हो, साईं बाबा हो, जीसस क्राइस्ट हो, सभी को मौत का आलिंगन करना पड़ा था। चौदह भवन के चौधरी मरे हैं, इन हुनकी का आशा। अरे बड़े बड़े लोग, पैसे वाले धनवान लोग भी अपनी मौत को नहीं रोक पाते, इन हुन याने हमारी और आपकी क्या आशा है। मरी है दस हो मरी है, नौ हो मरी है दस हो मरी है, मरी है सहज अठासी, मरी है सहज अठासी। तैतीस कोटि के देवता भी मरी है, तैतीस कोटि के देवता भी मरी है, बड़ी है काल की बाजी, बड़ी है काल की बाजी। साधो 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 ये मुर्दों का गाव, साधो। और शरीर से मरने से भी खराब स्थिति तब होती है जब हमारे अंदर की संवेदनाएं मर जाती हैं। जब हम सड़क पे कोई एक्सीडेंट होता देखते हैं और आदमी तड़प रहा है लेकिन हम उसको सहारा नहीं देते, निकल जाते हैं। हमारे पड़ोसी के यहां चोरी हो जाती है, हम खुशियां मनाते हैं। हमारे पड़ोसी की गाड़ी बाहर खड़ी है, उसके ऊपर कोई स्क्रैच मारता निकल गया, हम बाहर निकले और उसकी गाड़ी पे स्क्रैच देखते हैं, मनी मन खुश होते हैं कि देखो कल कितना घमंड कर रहा था, अपनी नई गाड़ी पे स्क्रैच पड़ गया। हमारी संवेदनाएं मरती जा रही हैं। ये कथा हमारी उन संवेदनाओं को फिर से जागृत करने का माध्यम है। हमारे अंदर का जो हिस्सा मर चुका है उसको जिंदा करना है, नहीं तो हमारा शरीर जिंदा भी है, उसके अंदर रक्त प्रवाह चल रहा है, बीपी भी आ रहा है,
पल्स भी आ रही है, अगर संवेदनाएं मर गई हैं तो ये हमारा शरीर भी मुर्दों का भाव ही है। नाम ना अनंत रहत है, नाम ना अनंत रहत है, नाम ना अनंत रहत है, दूजा तत्व न कोई, दूजा तत्व न कोई। नाम नाम अनंत रहत है, कबीर कहते हैं नाम ही हमारा है। जो लोग अनाम बन करके दूसरों की मदद करते हैं, नाम अनाम अनंत रहत है, दूजा तत्व न कोई। नाम नाम अनंत रहत है, नाम नाम अनंत रहत है, दूजा तत्व न कोई, दूजा तत्व न कोई। कहत कभी सुनो भई साधो, कहत कभी सुनो भई साधो, भटक मरो मत कोई, भटक मरो मत कोई। साधो साधो ये मुर्दों का गाव, साधो साधो ये मुर्दों का गाव, साधो 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 साधो। मृत्यु अवश्यम भावी है, डरने की जरूरत नहीं है। मृत्यु से डरो मत, उसको केवल समझ लो, उसको जान लो तो जीवन आनंद हो जाएगा। यही इस श्री साई सच्चरित्र का सार है और यही भाव इस कथा के माध्यम से संप्रेषित किया जाता है, फैलाया जाता है कि जब तक जियो अंदर और बाहर से जीवन को आनंदित उल्लसित होकर के जियो, मुर्दों की तरह नहीं जीना है। जाना सबको है अपनी अपनी बार, बिल्कुल चिंता मत करो। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत सुनने में आया था, कभी आपके साथ साझा कर रहा हूं। एक व्यक्ति खूब सत्संग में जाता था। एक दिन उसके मन में यह भाव उठा कि मैं अपने गुरु महाराज के पास जाऊं और उनसे पूछूं कि मैं इतना सत्संग में जाता हूं लेकिन मेरा पाप नहीं छूटता। गुरु महाराज के पास गया, बोलता है महाराज मुझे तरीका बताइए, मैं रोज सत्संग में जाता हूं लेकिन मेरा पाप नहीं छूटता, मैं अकारण सबसे लड़ता रहता हूं, जली कटी सुनाता रहता हूं, दूसरों पर खूब गुस्सा करता हूं, जायदाद के लिए अपने भाई से लड़ता हूं, इतना सब कुछ है लेकिन धर्म में खर्च ही नहीं हो पाता। देखिए सत्संग में जाने का फायदा यह होता है, कथा सुनने का यह फायदा होता है कि कथा आईना दिखाती है, स्वदोष दर्शन कराती है कि हमारे अंदर क्या क्या दोष है। और जब स्वदोष दर्शन होते हैं तो स्वगुण दर्शन भी होते हैं, हमारे अंदर क्या क्या गुण है वो भी हमको जानने को मिलता है। ऐसी अद्भुत अभी
व्यक्ति है ये कथा। हम लोग कथा में बैठते हैं तो लगता है कई बार कथा हमसे हमारी ही बात कर रही है। लोग कथा में बैठकर मुस्कुराते हैं, कथा में बैठकर रोते हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, आंख बंद करके बैठते हैं, अपने अंदर झांकते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम लोग गलती ये करते हैं कि हम भगवान को ढूंढते हैं, साईं को ढूंढते हैं, मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, पूजा करते हैं, आडंबर पाखंड भी करते हैं साईं को ढूंढने के लिए, ईश्वर को ढूंढने के लिए, भगवान को ढूंढने के लिए। लेकिन मजे की बात तो ये है, जब कथा में बैठते हैं तो ये समझ में आता है कि साईं तो कहीं खोया ही नहीं था, खोए हुए तो हम लोग थे। ये कथा अपने खोए हुए खुद से मिलवाती है। वो व्यक्ति जिसको हम बहुत पीछे कहीं छोड़ आए थे, वो मिलता है कथा में बैठकर। हम जब पैदा होते हैं ना तो बहुत निर्मल होते हैं, हमारा मन बहुत निर्मल होता है, इतने साफ होते हैं मन के कि हर कोई हमको अपनी गोद में बिठाना चाहता है, कोई हमको चुम्बन करता है, कोई अपने गले से लगाता है, कोई हवा में फेंक करके झुलाता है, कोई अपनी गोदी में बिठा लेता है। हम किसी की गोदी में बैठ करके मलमूत्र का त्याग भी करते हैं तो कोई बुरा नहीं मानता। हम जब पालने में हमारी माँ हमको सलाती है, जब पालना हिल रहा होता है, माँ लोरी गा रही होती है, मुझे नहीं पता कि आजकल की माएँ कितनी लोरी गाती हैं, हो सकता है मोबाइल पे ही लोरी सुना देती हूँ, यूट्यूब पे ढूंढ के, सावन पे ढूंढ के, गाना.com पे ढूंढ करके। लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ की आवाज़ में एक अलग मिठास होती है, वो चाहे जितनी भी बेसुरा गाती हो, माँ की लोरी हमेशा बड़ी मीठी होती है। तो माँ जब हमको पालने में डाल करके झुला रही होती है और हम नींद ही नींद में मुस्कुरा रहे होते हैं, तो जो बड़े आसपास होते हैं वो कहते हैं कि देखो भगवान से बात कर रहा है इसलिए मुस्कुरा रहा है। सब हमको प्यार करते हैं, ये हमारा स्वरूप होता है। फिर हम धीरे धीरे जब बड़े होते हैं, पालने से बाहर निकलते हैं, तो हम समाज में कदम रखते हैं, वहां पे हम झूठ बोलना सीखते हैं, मक्कारी करना सीखते हैं, धोखा देना सीखते हैं, प्रपंच करना सीखते हैं, षड्यंत्र करना सीखते हैं, होड़ लगाना सीखते हैं। तब हमसे कोई प्यार नहीं करता, अकेले पड़ जाते हैं, अलग थलग। हमारे चारों तरफ लोग होते भी हैं लेकिन हमको लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं। हमारे चारों तरफ बेशुमार आदमी होते हैं लेकिन हमको लगता है कि जैसे हमारे आसपास कोई नहीं है जो हमको समझ पाए, हमारी सुन पाए, हमको सहारा दे सके। हम अकेले पड़ते हैं तब रोते हैं, रातों की नींदें गायब हो गई हैं क्योंकि मन में इतनी बुराइयों ने घर कर लिया है। ये स्वभाव हो जाता है। तो पालने से दुनिया की यात्रा, स्वरूप से स्वभाव की यात्रा होती है। हर तरफ हर जगह
बेशुमार आदमी हर तरफ हर जगह, बेशुमार आदमी फिर भी तन्हाइयों का शिकार, आदमी हर तरफ हर जगह, बेशुमार आदमी हर तरफ हर जगह, बेशुमार आदमी फिर भी तन्हाइयों का शिकार, आदमी हर तरफ हर जगह, बेशुमार आदमी। रोज जीता हुआ रोज मरता हुआ अपनी ही लाश का, अपनी ही लाश का खुद मजार आदमी, अपनी ही लाश का खुद मजार आदमी फिर भी तन्हाइयों का शिकार, आदमी हर तरफ हर जगह, बेशुमार आदमी। हम लोग सब डाइनिंग टेबल पर इकट्ठे होकर के बैठते हैं। पहले तो ये आलम था कि खाने का स्वाद लेकर के खाना खाते थे, खाने के टेबल पे भी ले बैठते हैं तो हमारे हाथ में होता है मोबाइल, व्हाट्सएप चेक कर रहे होते हैं, फेसबुक पे हमारी लेटेस्ट डीपी को कितने लोगों ने लाइक किया, कितनों ने वाओ किया, कितनों ने लव किया वो देखते हैं। दूर के लोगों से नाता इतना मजबूत होने लगा है के पास के लोग दिखना बंद होते जा रहे हैं। हर तरफ भागते दौड़ते रास्ते, हर तरफ भागते दौड़ते रास्ते, हर तरफ आदमी का, हर तरफ आदमी का शिकार, आदमी हर तरफ आदमी का शिकार, आदमी फिर भी तन्हाइयों का शिकार, आदमी हर तरफ हर जगह, बेशुमार आदमी। रोज जीता हुआ रोज मरता हुआ, रोज जीता हुआ रोज मरता हुआ हर नए दिन नया, हर नए दिन नया इंतजार आदमी, हर नए दिन नया इंतजार आदमी फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी।
पद सफर दर सफर, जिंदगी का मुकद्दर सफर दर सफर, सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक बेकरार आदमी, सुबह से शाम तक बेकरार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी। चारों तरफ लोग हैं हमारे आसपास, इर्द गिर्द भीड़ ही भीड़ है, भीड़ ही भीड़ है, और उस भीड़ में एक अदना से हम अकेले तन्हा बेचैन बेकरार दर्द से भरे हुए रीसते हुए आंसुओं से कब तकिए का लिहाफ तकिए का कवर भीग जाता है समझ में नहीं आता। लोगों से छुप करके रोते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है आप डिप्रेशन के शिकार हैं, अवसाद ग्रस्त हैं। फिर रिहैबिलिटेशन होता है, एंटी डिप्रेसेंट्स दिए जाते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि हम लोग सब उन डॉक्टर्स के पास जाते हैं जो कि सिम्टम्स को, संकेतों को ट्रीट करते हैं, बीमारी को कोई क्योर नहीं करता। बीमारी को क्योर करने वाला तो ये सदगुरु बैठा है। जब इसकी शरण में आते हैं, झुकते हैं, मन को झुकाते हैं, आईना दिखता है, फिर एक और सफर शुरू होता है, पालने से दुनिया का सफर था, स्वरूप से स्वभाव का सफर, अब दुनिया से आखिरी सांस का सफर शुरू होता है जो है स्वभाव से स्वरूप का सफर। हम वापस वैसे ही होना चाहते हैं जैसे हम थे। हम चाहते हैं सब हमसे प्यार करें, हम चाहते हैं सब हमको हमारे इर्द गिर्द रहे, हम चाहते हैं कि सब की आंखों के दुलारे रहें हम। तब साई हाथ पकड़ता है, उठाता है, हाथों में हाथ डाल करके उस नए सफर की शुरुआत कराता है। क्या करना पड़ता है साई की शरण में जाने के लिए? अभी हम लोगों ने थोड़ा सा डिटोर ले लिया है। हम लोगों ने एक कहानी शुरू की थी दृष्टांत वाली, कि वो एक व्यक्ति महाराज के पास जाता है, गुरु महाराज के पास, कि महाराज पाप नहीं छूट रहा है। तमाम सत्संग के बाद तो ये सत्संग की ही बातें हो रही हैं। साई कैसे बदलते हैं, बड़ी अद्भुत लीला करते हैं। साई पहले तो हमको नकारते हैं, धक्का देते हैं, शिरडी आने से भी रोक देते हैं, इच्छा होने के बावजूद हम नहीं जा पाते। धीरे 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 जब हमारे अंदर से सुधार आने लगता है तो शिरडी के दरवाजे भी खुलने लगते हैं। तब साई हमारे खोए हुए खुद से हमको
मिलवाना शुरू करते हैं। बड़ा अद्भुत फकीर है साहब, बड़ा अद्भुत फकीर है। आप सोच करके देखिए कि कड़ाके की ठंड में भी वो फकीर फटे कपड़ों में रहता था। कांटों भरा जंगल हो, नदी नाले हो, वो फकीर कभी पादुका पहने कभी यूं ही चला जाता था। खाने को मिलता तो खा लेता, ना मिलता तो कुछ नहीं। साईं के पास जाने का एक ही मूल मंत्र है, वो है बिना शर्त समर्पण, अनकंडीशनल सरेंडर। जब आप साईं की शरण में बिल्कुल ऐसे चले जाओ कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय साईं के, तो साईं सब कुछ खोया हुआ लौटाने लगते हैं। सबसे पहले खुद को लौटाते हैं, और यहीं से साईं हमको बदलना शुरू करते हैं। शिरडी जाने की जरूरत नहीं है, मन को साफ रखो, मन शिरडी बन जाएगा। शिरडी तुम्हारे अंदर है, तुम दिल के अंदर देखो तो। शिरडी तुम्हारे अंदर है, तुम दिल के अंदर देखो तो। शिरडी तुम्हारे अंदर है, तुम दिल के अंदर देखो तो। वो पास खड़ा मिल जाएगा,
भी जागना पड़ता है, औरों को जगाना पड़ता है, औरों को जगाना पड़ता है। दुनिया में रहकर देख चुके, दुनिया में रहकर देख चुके, दुनिया से हटकर देखो तो दुनिया में रहकर देख चुके, दुनिया से हटकर देखो तो वो पास खड़ा मिल जाएगा, खुद अपने से मिलवाएगा, वो पास खड़ा मिल जाएगा, खुद अपने भी नहीं, तुम सारा समंदर देखो।